हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? तो गाइस, टाइम जो है बज गए 12:30 और मैं बना रही हूँ लंच। तो लंच में बनने वाला है आलू अंडा राइस। आलू अंडा मतलब आलू को उबाल के ना अंडे टाइप का ही मैं कढ़ी बनाने वाली, सिंपल सा, जिसे हम आलू अंडा भी बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं। तो आज हमारे यहाँ इतनी गर्मी हो रही है कि मुझे ज़्यादा खाना पीना बनाने का मन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं सिंपल सा आलू अंडा करी और राइस बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने आलू को बढ़िया से धो के और ले लिया है, उसे मैं उबलने के लिए रख दूंगी और उसके बाद आलू उबल जाएगी तो मैं राइस वगैरह रख दूँगी। और हमारे यहाँ इतनी गर्मी हो रही है इस वाले रूम में, तो गाइस बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि ऊपर ना काफ़ी पतरा वगैरह है। तो यहाँ पे मैं आलू को उबलने के लिए रख दूँगी नमक डालकर। इतनी गर्मी होती है ना कि प्रतिदिन जो है ना सर में दर्द होता है गर्मी से। जब भी धूप, जैसे कि धूप जो है सुबह 9:30 से स्टार्ट हो जाती है तो लगभग 3 बजे तक ना धूप ही लगती है, बहुत गर्मी लगती है यहाँ पर। और ये सामने बच्चे भी हैं। तो आलू उबल रहे तब तक मैं क्या करूँगी, प्याज टमाटर लहसुन इन सब को ना मतलब साफ़ करके कट कर लूँगी। सिंपल सा मैं करी बनाने वाली हूँ, आलू अंडा करी। इसे बढ़िया से धो के रख लेते हैं। और गाइस, मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है इन दिनों, तो बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। आज भी मेरे सर में काफ़ी दर्द है। और गाइस, आजकल ना बच्चों की एग्ज़ाम है तो जल्दी छुट्टी हो जाती है, तो आदित्य सुबह चला जाता है, 10 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है। तो 10 बजे वो घर, मैं उसे लेकर आ जाती हूँ। और मैं अभी लंच ना दोपहर में ही बनाती हूँ क्योंकि हस्बैंड का ड्यूटी जो है नाइट का हो गया, इस वजह से। तो ये जाते हैं ना दोपहर, मतलब ये शाम को निकलते हैं, तो मैं दोपहर को ही खाना पीना बना लेती हूँ एक ही बार। रात का डिनर भी साथ में बना लेती हूँ क्योंकि बार बार बनाओ, कितनी बार बनाओ, मैं सुबह भी मैं बनाती हूँ, फिर दोपहर में, फिर रात में, मैं 3-3 बार, भाई मुझसे तो खाना नहीं बनेगा। तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, रात का खाना जो है इस टाइम पर ही बना लेती हूँ। और आलू हमारे उबल गई है तो इसे एक बर्तन में ले लेंगे और उसके बाद जो है राइस रख देंगे हम। और कल गाइस, मेरे सर में इतनी दर्द थी ना कि मैं कल बहुत बीमार हो गई थी, लेकिन मुझे जाना पड़ा था वहाँ क्योंकि बेबी का ना मिल्क वगैरह मुझे लाना होता है, इस वजह से। तो मैं गई और फिर मैं वहाँ मम्मी के घर में ना काफ़ी रेस्ट की। इतने सर में दर्द थी कि मैं क्या बताऊँ, ऐसा लगता है कुछ भी हो जाए चलेगा, लेकिन सर का दर्द नहीं होना चाहिए, ऐसा ही लगता है। इस सर दर्द वाली गर्मी से ही होती है शायद, मुझे लगता है गर्मी से होती है क्योंकि जब भी ज़्यादा गर्मी वगैरह होती है ना तो हो जाती है। तो चावल को भी मैंने 2-3 पानी से धो लिया है। मैं पूरे वीडियो जो है शॉर्टकट में ही दिखाती हूँ। अब मैं 3 बार राइस को धोते हुए दिखाऊंगी तो वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाती है, तो मैं कट कर करके शॉर्ट दिखाती हूँ। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि राइस को एक ही बार धोई है, ऐसा मत समझिएगा। तो बच्चों को भूख लग गई थी तो कुछ खाने के लिए मांग रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो ये छान के खाने वाला है ना, इसे ही छान कर दे देती हूँ, तो बच्चे थोड़ा खा लेंगे, फिर खाना बन जाएगा तो फिर लंच वगैरह करेंगे। तो ये मैंने छान कर दे दिया था, बच्चे हस्बैंड साथ में खा रहे थे, मैंने तो एक भी नहीं खाया, इतना सर में दर्द होता है क्या करें। और मेरी आँखों का भी प्रॉब्लम है, मुझे ना दिखाई भी नहीं देती है इन दिनों, बिल्कुल नहीं, धुंधला धुंधला दिखता है। और किसी का चेहरा देखो ना तो दूर से मुझे भाई दिखाई नहीं देता कि कौन है, मुझे कुछ पहचान में नहीं आता। तो आँखों की प्रॉब्लम है, आँख भी मुझे दिखानी पड़ेगी। आँखों की जो रोशनी है वो काफ़ी कम हो चुकी है, तो बहुत जल्द जो है अपने आँखों का इलाज करने वाली हूँ। तो हमारी राइस भी हो चुकी है, तो कढ़ाई को हम बदल लेंगे, मतलब चूल्हा बदल लेंगे। वो वाली जो गैस है ना,
ख़राब हो गई, उसमें आँच ना काफ़ी कम आता है, तो उसे ठीक करना है। तो अभी हस्बैंड को टाइम मिलेगा तो ठीक करेंगे। तो प्याज हमने सब्ज़ी बिल्कुल सिंपल सा बनाया है। आलू को छान लिया था, आलू छानने के बाद हमने लहसुन को छौंक दिया प्याज डालकर। प्याज लाल हो गई थी तो हमने टमाटर ऐड कर दिया। टमाटर जैसी गल जाएगी फिर हम ड्राई मसाला वगैरह डालेंगे, जैसे कि ड्राई मसाले में जो भी मसाले डेली सब्ज़ी में डलते हैं वो डाल के बढ़िया से आलू वगैरह डाल के भून लेंगे। तो हस्बैंड क्या करते हैं ना कि सेंट वगैरह भी लगा लेते हैं ड्यूटी निकलने के टाइम पे, तो मेरे ना सर में बहुत दर्द हो जाती है। मैं इनको मना करती हूँ कि सेंट वगैरह मत लगाए, फिर इनमें और मुझ में ना तू मैं होने लगती है। बोलते क्या क्या छोड़ूँ तेरे चक्कर में, तेल भी छोड़ चुका हूँ, ये छोड़ चुका, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे ना सर में काफ़ी दर्द होती है सेंट वगैरह से। तो भाई मैं क्या बताऊँ, इतनी तेज़ सर दर्द होती है। लेकिन इन्होंने मतलब छोड़ दिया था कुछ दिनों के लिए, लेकिन अभी फिर से ना वही काम करने लगे हैं। तो सेंट से ना और कुछ ज़्यादा कड़क स्मेल होती है ना, तो मुझे सर में दर्द होने लगती है। और मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, ये बहुत ही सीरियस बात बता रही हूँ आप लोगों को। तो इनमें और मुझ में हो जाती है कभी तू मैं बोलती कि क्यों सेंट लगाया, तो ये बोलते कि तेरे चक्कर में मैं क्या क्या छोड़ दूँ तुम्हारे लिए, और मैं क्या क्या करूँ, क्या क्या छोड़ दूँ, ये सब बातें होती है। तो देखिए बातों ही बातों में हमारी कड़ी भी तैयार हो गई है, अभी इसे ढक्कन लगा के पकने के लिए रख देंगे। तो गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा। तो देखिए हमारा सब्जी भी तैयार हो गया है, तो मिलते हैं अगली ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान ख्याल रखिए, मेरी वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। और भाई मेरे सिर का जो दर्द है वो काफ़ी तेज़ हो रहा है, तो चलिए अब मैं आपको बाय बाय बोल देती हूँ।